आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। विभिन्न मांगों को लेकर सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें धारा 144 लागू होने के बावजूद जिला मुख्यालय पर जुटी भीड़ लोगों के बीच कोतहूल का कारण बन रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पर पत्र जिला शासन और प्रशासन को सौंपा। वक्ताओं ने 3 माह के अंदर समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय पर अपने हक की लड़ाई लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संस्थानों के निजीकरण का विरोध किया। कहा कि सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके लोगों को रोजगार से वंचित करने में लगी है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन किए जाने की वकालत की। कहा कि सभी किसान और मजदूरों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वेतन के बराबर आय सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय किसान आय आयोग किसानों को शेष राशि उपलब्ध कराए। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी की जातिवार गणना कराकर संख्या के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की मांग की। वक्ताओं ने कृषि श्रमिकों और कमजोर वर्गों को 5-5 बीघा जमीन कृषि कार्य करने के लिए जाने की मांग उठाई। कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में संख्या के अनुपात से आरक्षण दिए जाने की मांग की है। वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति के साथ ही मुफ्त शिक्षा नीति घोषित किए जाने की मांग की। वक्ताओं ने आदिवासी कौल आदिवासी मुशहर गौड़ एवं धरकार आदि बिरादरी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवाज उठाई। धन्यवाद। इस ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चैनल के माध्यम से भिजवाएंगे और जो भी समस्याएं हैं आपकी उसका जो भी यथोचित वैधानिक उपचार है उसको यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे। नीरज प्रसाद, डिप्टी कलेक्टर। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। सुशीला जी, आप लोग कहाँ आए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ मिर्जापुर में। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की मांग है कोल मुसहर बेनवंश जो पिछड़ी जात के वर्गों के लोग हैं इनको कम से कम 5-5 बीघे जमीन चाहिए, क्योंकि उनके घर बनाने के लिए जगह नहीं है। हमारी मांग है कि उनको 5-5 बीघा जमीन मिले और जनजाति का दर्जा मिले इन लोगों को। आज तक 75 साल हो गया है, जनजाति का दर्जा इन लोगों को नहीं मिला है। कोल मुसहर बेनवंश आदिवासियों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। हम चाहते हैं उनको जनजाति का दर्जा मिल दिया जाए। अभी एसडीएम साहब आए थे, वो बता रहे थे कि यथासंख्या लगा चुके लोग हैं। क्या आपने परमिशन नहीं कराया था? कैसे? हमने परमिशन पहले से ही करवा दिया था, उनको अवगत कराया गया है, लेकिन वो लोग नहीं दिए हमको। भाई, हम अवगत आपको कराए हैं तो उनको दे देना चाहिए था ना, क्योंकि हमको समस्या है। हमको कहीं आने जाने की परमिशन हम खुद ही ले लेते हैं, लेकिन वो लोग हमको नहीं दिए तो उनकी गलती है, हमारी क्यों गलती है? भाई, हम लोग पब्लिक है, हमारा समाज है, हमारा हक है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पवन कुशवाहा, उपता चुनाव इलाहाबाद। आज हम लोग यहाँ पर आपके मिर्जापुर जनपद मुख्यालय पर आए हुए हैं सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा के माध्यम से। माननीय रामराज आदिवासी जी हैं जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग आए हैं। आयुष्मती सुशीला आदिवासी जी, आयुष्मती संगीता कनौजिया जी, माननीय कमलेश गुप्ता जी हैं, हमारे रामनिहोर गौतम जी हैं। आप लोग के संरक्षण में कार्यक्रम हो रहा है। माननीय श्याम भाई पटेल जी हैं। हमारी मांग ये है जो पूरे देश में वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी बढ़ाने के लिए निजीकरण प्रक्रिया अपनाई गई है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, तो हमारी मांग है निजीकरण प्रक्रिया बंद करके निजी किए गए संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और पूरे देश में संविधान का अनुच्छेद 39 और 41 है उसका अनुपालन करते हुए प्रत्येक नागरिक को रोजगार मुहैया कराया जाए। जो हमारे अनपढ़ और जाहिल गाँव में रहते हैं, भूमिहीन है, उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता का जो अनुमोदन किया गया उसका पालन करते हुए कम से कम 5-5 बीघे जमीन दिया जाए। साथ में उत्तर प्रदेश जो कोल है, मुसहर है, गोंड है, इन जातियों को जनजाति में शामिल कर हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। पूरे भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जाति जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में इसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। साथ में पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए पैतृक संपत्ति एवं देश के सभी संस्थानों में इनकी आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए तत्काल। इसके अलावा भारत के न्यायपालिका में हमारे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी अधिकार वंचित लोग हैं उसकी भी बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा हमारी तमाम क्षेत्रीय मांगे हैं, जैसे अघानंद बाबा है, एक गुरुदेव नगर मणिहान का है, जो एक ललतेश त्रिपाठी, इसके तमाम खनन माफिया भूमाफिया हैं, जमीनों को कब्जा कर रखे हैं। यहाँ के मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के, हमारा आग्रह है तत्काल उसको छुड़ाकर भूमिहीनों को गरीबों को दिया जाए और
वर्तमान में कहा जा रहा है चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव हो रहा है, आप लोग मीडिया वाले हो, हमारी मांग है समाचार और शराब पे पाबंदी लगाई जाए, इससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जा सके। क्योंकि यही प्रशासन के लोग दारू बटवाते हैं क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के द्वारा, और इनको बिकने के लिए दारू पीने के लिए मजबूर किया जाता है, बिकने के लिए गरीब बना दिया गया, इनका वोट खरीदा जा रहा है। हमारी मांग है कि जो चुनाव आचार संहिता जो हमको हवाला दे रहे हैं, तुम्हारे पर मुकदमा लिखेंगे, हम भी इनके ऊपर मुकदमा लिखेंगे। अपना अनुच्छेद 44 का लोग पालन नहीं करते हैं, हमको मुकदमा हमारे ऊपर लिखने का, हम बहुत मुकदमा देखे हैं, हमारा पैसा यही है। हमारी मांगे नहीं मानेंगे, अगस्त महीने में मिर्जापुर के सभी रेल और सड़क हम लोग 24 घंटे के लिए बंद करेंगे, इसका जिम्मेदार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय होंगे, ये हमारी मांग है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।